ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषा, एक मजहब और एक देश की बात करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत पर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बात तब कही जब यूपी में निकाय चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के उर्दू में शपथ लेने पर हंगामा हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने उसी खबर का हवाला देते हुए कहा कि भारत में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। बता दें कि अलीगढ़ में बसपा पार्षद द्वारा उर्दू में शपथ लेने पर बसपा पार्षद के साथ मारपीट की गई थी। आपको बता दें यूपी में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनकी पार्टी ने एक चेयरमैन की सीट और 28 सीटें हासिल की हैं। उनकी पार्टी की यूपी में यह पहली कामयाबी है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी बीते रोज पीएम मोदी पर भी हमला बोला था। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस नेताओं पर पाकिस्तान से मिलने के आरोपों पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस नेताओं ने देशद्रोही काम किया है तो उन पर रासुका लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।